बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये हम जनवरी के महीने ग्वादर आए हैं और ग्वादर बंदरगाह की ऑपोजिट साइड पर खड़े हुए हैं। हम इस वक्त इस लोकेशन पे खड़े हैं। ये इस साइड पे जीवनी का बॉर्डर है। जीवनी बलूचिस्तान से अगला शहर है, उसके साथ बिल्कुल ईरान है। ईरान ये इसी साइड पे आ गया। यूएई, सऊदी अरेबिया की सरहदें मिलती हैं। वो आया समंदर। ग्वादर का साहिल काफ़ी गहरा है और पानी बिल्कुल शीशे की तरह साफ। और ये तमाम सारा रोड ग्वादर का मेन बुलेवार्ड है। ये हमारे ऑपोजिट ग्वादर पोर्ट है। ग्वादर दो दिन स्टे करने के बाद हम कोयटा के लिए रवाना हो रहे हैं। ये रोड ग्वादर से तुर्बत की साइड पे जा रहा है। और अब हम सीपा के रूट पे चढ़ गए हैं। ये तुर्बत टू पंजगौर साइड जा रहा है। ये पंजगौर साइड एरिया है सारा। ये सारा रोड पंजगौर साइड है और सी पैक का रोड है। इंतहाई खूबसूरत रोड है, बिल्कुल स्ट्रेट रोड है। जैसे हॉलीवुड की मूवीज में आप रोड्स देखते हैं ना, बिल्कुल स्ट्रेट और बहुत लंबे लंबे रोड, सेम वैसे ही। बहुत ही खूबसूरत एरिया है। माय सीरीज प्लेसेस है, ये देखने वाली है। एक दफ़ा देखेंगे दोबारा बंदे के जहन से निकलती नहीं। इतना ही खूबसूरत एरिया। और ये आगे गाड़ी कुछ सामान लेके जा रही है। हम डाइवो में बैठे हुए हैं। डाइवो से हम जा रहे हैं आप कोयटा साइड पे। हम ग्वादर से निकले थे तुर्बत के लिए। तुर्बत रात गुजारी, तुर्बत से डाइवो ली, तुर्बत से डाइवो पर बैठे वो कोयटा के लिए रवाना हो गए। ये सी पैक का रूट है और रोड बहुत आला है, बहुत शानदार रोड है, व्यूज बहुत आला है। इंतहाई वसी और रीज इलाका है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का 50% है। तीन सूबे एक जगह पे और बलूचिस्तान अकेला एक जगह पे। रकबे के लिहाज से बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और बंजर ज्यादा एरिया बंजर है। रकबे के लिहाज से बहुत बड़ा है। पानी वगैरह का कोई दूर दूर तक आसार नहीं है। यहाँ जमीन के नीचे तेल है, बहुत से मिनरल्स हैं इस एरिया में। ये बलूचिस्तान कल्लात का इलाका आ गया। पीछे पहाड़ों में आप देख सकते हैं काफी बर्फ पड़ी हुई है। जनवरी का महीना है। ग्वादर से कोयटा 915 किलोमीटर का फासला बनता है और ये तकरीबन 12 से 13 घंटे का सफर है। जी, हम कोयटा पहुंच गए हैं। हमारे दोस्तों ने हमें रिसीव किया और गाड़ी में कोयटा आपको थोड़ा सा विजिट करवाते हैं। कोयटा में पठान और बलोच है, दो बड़ी कौमें। ये सरियाब रोड है। इसी तरह ये लोग जो है